एक्चुअली मेरी आने वाली फिल्म की हीरोइन है ये, जो कहा था मैंने आपको तहान तृष्णा, उसमें हिंदी वर्जन में जो है ये काम कर। अच्छी है, मैंने मूवी भी देख रखी है और इसी दौरान मैं सर से मिली थी। मैंने थिएटर कर रखा है और अपकमिंग प्रोजेक्ट से मेरे शॉर्ट फिल्म्स है, वेब सीरीज है और टीवी शोज एंड अभी मूवी आने वाली है सर के साथ। एज ए डिस्ट्रीब्यूटर से तो पूरे महाराष्ट्र में जितने थिएटर्स उपलब्ध हो जाएंगे उसमें फिल्म लग जाएगी और मेकिंग अच्छी तरह से हुई है तो लोगों का इसको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। नहीं नहीं, एक बंदा बाकी बचा हुआ है, राहुल। कोई बात नहीं, आने वाली कल के है अपना ख्वाबों ख्यालों में, तो बहुत ही अच्छा लगा प्यारे लाल जी से जुड़ के और गाने भी इतने अच्छे हैं जो भी मैंने अच्छे से निभाया है बिकॉज म्यूजिक बहुत ही प्यारा है। अपना अनुभव अच्छा लगा है फिल्म। एक सुबह 6 बजे से लगते हैं शाम को 6 बजे, मतलब 12 घंटे का जो दिया है हर फैमिली के साथ में होता है वही इसके अंदर फिल्म के अंदर दिखाया है बस। जी हाँ, पवार साहब, पवार साहब बोलिए, पवार साहब, पवार साहब, हाँ। ये प्रोजेक्ट को मैंने नहीं किया था बट इसके बाद वाले इसके पहले किए थे प्रोजेक्ट के लिए, इस प्रोजेक्ट में पर्टिकुलर में मुंबई में नहीं था हाँ। बट इसके पहले और इसके बाद जितने प्रोजेक्ट हुए सारे में सर के साथ में एसोसिएट, तो थैंक यू सर। और मुझे इंडस्ट्री में लाने वाले प्यारेलाल सर है शूट लाइन में, उसके पहले मैं इवेंट्स करता था कोरियोग्राफर, तो थैंक यू, हमेशा उनके उपकार पर रहेंगे, दैट्स इम्पोर्टेंट थिंग। और अभी जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ रहा है अभी जो स्टार्ट हो रहा है तहान तृष्णा, तहान उसका राज प्लानिंग चालू हो गया राज, दैट्स इट। ठीक है, कुछ बताइए 12 बारे में क्या लग रहा है आपको? हाँ यस, 12 आवर्स। सर मैं तो ये चीज़ के लिए एक्साइटेड है कि 12 आवर्स में क्या स्टोरी अपने बाइंड की है, तो वो बहुत मैटर करती है, तो मैं तो एक्साइटेड हूँ देखने के लिए मूवी, तो वेट कर रहा हूँ थिएटर में देखूंगा बिकॉज यार जो मज़ा बड़े स्क्रीन में वो OTT पे नहीं है आज के डेट में, तो प्योरली सर थिएटर में जाके देखेंगे 12 आवर्स। थैंक यू राज, आ जाओ। अच्छा, ये 12 आवर के बारे में मुझे ये बोलना है कि ये स्क्रिप्ट इतनी यूनिक है कि कोई भी बंदा, मतलब हम लोग भी हैं, जब घर से निकलते हैं और घर पे पहुंचते हैं तो जो टाइमिंग और उस टाइमिंग में जो हो सकता है मतलब कोई सोच नहीं सकता, कभी कोई सोच नहीं सकता, बस ऐसा ही एक पॉइंट था कि प्यारे सर ने ये स्क्रिप्ट, इतनी प्यारी स्क्रिप्ट है कि हमें काम करते समय भी मतलब ऐसे लगता था कि यार ये इंसिडेंट तो किसी के साथ भी हो सकता है, मतलब है नहीं, हुआ कुछ नहीं है, अगर हो सकता है ये जो इस पर जो ये इन्होंने डायरेक्शन किया है, ये स्क्रिप्ट पर जो लिखा है, कहानी इतनी प्यारी है, डायरेक्शन इतना प्यारा है, आर्टिस्ट इतने अच्छे हैं कि मतलब काम करते हुए मुझे बहुत मजा आया। से कहते हैं मुझे गीतकार जितेंद्र मिर्ज़ापुरी, गीतकार कवि और शायर, और बातें मंचों पे भी पोएट्री के माध्यम से करता हूँ, हूँ वीर रस कवि फायर। तो मैं अभी अपना परिचय
मैं स्पॉट देखिए मैं बनाया जिस तरह से 12 घंटे फिल्म 12 hours है, तो सबसे पहले तो मैं यस प्यारेलाल शर्मा जी के लिए, जिन्होंने मेरे रिस्पेक्टेबल कहा कि आपके लिए आप ये अपनी शायरी की पंक्तियों से फिल्म के बारे में बोलिए जैसा आपने बनाया, तो उनका बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मौका दिया। और मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी पावन प्रीत की रीत को, सबकी पावन प्रीत की रीत को, फिल्म इंडस्ट्री की पावन प्रीत की रीत को, यहाँ तक कि ऑडियंस की पावन की प्रीत की रीत को कहते हैं पावन सच्चाई का कर्मा। और जो